पिछले 9 सालों में नंबर एक रैंक हासिल करते आ रहा है IITians Learn। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे KIIM हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammed Arif। Myself Ansari Mustafa। My name is Ansari Sania। Myself Sheikh Sadaf Farjan। Myself Sheikh Nadeem। My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt। मैंने NEET 2024 की प्रिपरेशन IITians Learn से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024। I scored marks 600 in NEET 2024। I have scored 99.2 percentile in MSTCET 2024। मैंने IITians का 2-year classroom program लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। कल्याण फाटा के दीपेश लॉज में प्रेम संबंधों के चलते हुआ हत्याकांड। मोहम्मद अली उर्फ ईशान ने की बिरजिस जेहरा की निर्मम हत्या। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 जुलाई रात 11 बजे कल्याण फाटा के दीपेश लॉज में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। प्रेम संबंधों के चलते यह हत्याकांड हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है। मृतका और हत्या आरोपी खूनी दोनों ही अमृतनगर से सटे हुए अचानक नगर परिसर के रहने वाले। हत्यारे की पहचान मोहम्मद अली नासिर हुसैन शेख उर्फ ईशान उम्र 35 वर्ष ऐसी हुई है। वहीं मृतका की पहचान बिरजिस जहरा सैयद के तौर पर हुई है और मृतका की उम्र 32 वर्ष है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सूत्रों के अनुसार इन दोनों के बीच पिछले 15 वर्षों से संबंध थे। मोहम्मद अली उर्फ ईशान शादी कर चुका था, वहीं सैयद बिरजिस जहरा ने शादी नहीं की। उसके बावजूद इन दोनों के बीच प्रेम संबंध चले आ रहे थे और पुलिस के अनुसार 2 जुलाई रात 11 बजे ये दीपेश लॉज के 202 कमरे में ठहरे हुए थे। यहीं पर दोनों के बीच में प्रेम संबंधों को लेकर कुछ विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार मृतका बिरजिस जहरा ने आगे प्रेम संबंध कायम रखने से इनकार किया। उससे गुस्सा होकर के मोहम्मद अली उर्फ ईशान ने ओढ़नी से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। किस तरह से यह हत्याकांड दीपेश लॉज में घटा है, घटनास्थल का पूरा विवरण, दीपेश लॉज और वहां पर तहकीकात और जांच के लिए पहुंची हुई शील टाइगर पुलिस, सब कुछ हम अपनी खबर में आपको दिखा रहे हैं। और अंत में ये बता दे कि मृतका बिरजिस जहरा सैयद ये अचानक नगर के ही परिसर में रहती थी और हत्यारा मोहम्मद अली उर्फ ईशान नासिर शेख ये भी अमृत नगर अचानक नगर के ही परिसर में रहता। वहीं हत्याकांड के बाद मोहम्मद अली उर्फ ईशान ने शेर डागर पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।